हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे DRDO CEPTAM टेक्नीशियन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोपा में सबसे ज़्यादा कटऑफ किसकी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ने जो मुझे मैसेज किया था अलग अलग कैटेगरी के कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे मैं हूँ तो मेरी कटऑफ कितनी जाएगी, सर कोपा की कटऑफ कितनी जाएगी। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम आप सभी के जो क्वेश्चंस को मिलाकर और एक वीडियो के माध्यम से आप सभी का आंसर दे दें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा कटऑफ किस की जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन की जा रही है, फिटर वालों की, या इलेक्ट्रॉनिक्स की, या कोपा की। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर न करते हुए। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का क्यों ना हो, जी हाँ, हम सभी प्रकार के सरकारी नौकरी के फॉर्म की नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पर। और यहाँ पर आपको प्रोवाइड होता है कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या एग्ज़ाम का जो है क्राइटेरिया रहेगा, कितनी कटऑफ जाने की चांसेस रहेगी, कितने मार्क्स में आप जो है क्वालिफाई कर सकेंगे, पूरा प्रॉपर गाइडेंस। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलते हैं वेल एजुकेटेड टीचर्स एंड प्रोफेसर्स जो आपको गाइड करेंगे, जो खुद वेल एजुकेटेड हैं और साथ ही 2 से 3 एग्ज़ाम जो उन्होंने क्वालिफाई किया है वो सभी जो है अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी हो। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कोपा की। जी हाँ दोस्तों, कोपा वालों की कटऑफ कितनी जाएगी, तो आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो कोपा में मैं आपको बता दूँ जर्नल वालों की। जी हाँ दोस्तों, जर्नल वालों की कटऑफ कितनी जाएगी कोपा में, वो है 77 की। जी हाँ दोस्तों, अनरिजर्व की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपकी 77। जी हाँ दोस्तों, ये अनरिजर्व की है, आपको मैं इसलिए बता देता हूँ कि 77 नंबर अगर आपका आ रहा है और आपने कोपा ट्रेड में एग्ज़ाम दिया है DRDO टेक्नीशियन का, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है आपको। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी में यानी कि हम बात करें तो SC की। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट में अगर आपके नंबर 72 आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों 72 अगर आपके नंबर आ रहे हैं और आपने जो है अपना फॉर्म भरा है कोपा से, तो आप यहां से आसानी से सिलेक्शन पा जाएंगे। अब बात करें हम नंबर 3 यानी कि ST की। तो ST में अगर कोपा में जाएं तो यहां पे आपको कम से कम 64 नंबर, जी हाँ दोस्तों 64 नंबर अगर आपके आते हैं और आपने ST में फॉर्म भरा है टेक्नीशियन का, तो आप आसानी से यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि OBC की। जी हाँ, OBC में काफ़ी स्टूडेंट जो है फॉर्म भरते हैं, तो OBC की यहाँ पे कटऑफ जो जा रही है वो जा रही है आपकी दोस्तों 74। जी हाँ दोस्तों, 74 नंबर के आसपास में जो है यहाँ पे कटऑफ रहेगी। तो अगर आप 74 नंबर पा रहे हैं या इसके आसपास इस नंबर के राउंड फिगर के हैं, तो आप आसानी से जो है टेक्नीशियन ए में, जी हाँ दोस्तों, कोपा में आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट, जी हाँ, यानी कि इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अनरिजर्व में कटऑफ जो जा रही है वो जा रही है 93। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के वालों का जो पेपर था वो लगभग काफ़ी आसान था, लेकिन सभी के लिए अलग अलग ओपिनियन थे, तो जैसे जैसे लोगों को लगता था, लेकिन काफ़ी जो देखा जाए तो ओवरऑल जो है 93 कटऑफ जो जा रही है वो इलेक्ट्रीशियन वालों की है। आपको पता है 150 मार्क्स का पेपर हुआ था, तो 93 अगर आपके नंबर आ रहे हैं और आप अनरिजर्व में फॉर्म भरे हैं, तो आप आसानी से यहां पे क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करें दूसरे यानी कि SC की। तो SC वालों में अगर आपके नंबर 80 नंबर हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर 80 नंबर आपने पा रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन में आपने फॉर्म भरा है, तो आप आसानी से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 80 नंबर जो है सफिशियंट है आपके लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। तो यहाँ पर 80 नंबर कम से कम आपको चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने नंबर 3 की। नंबर 3 पर आता है हमारा ST, और यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 83। जी हाँ दोस्तों, 83 नंबर के आसपास अगर आप हैं और ST में आपने फॉर्म भरा है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुना है, तो आप आसानी से यहां पे सिलेक्शन पा जाएंगे। जी हां दोस्तों, यहां पे कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं OBC की। तो OBC की नंबर जा रही है, जी हां दोस्तों, 90 मार्क्स के आसपास में जो है कट ऑफ रहेगी।
तो 90 नंबर की अगर इर्द गिर्द में आपका नंबर आता है और आप अदर बैकवर्ड क्लास से आपने अपना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में फार्म भरा है टेक्नीशियन का, तो आपको यहाँ पे आसानी से जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करेंगे हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक, जी हाँ दोस्तों, फिटर का। आप सभी को पता है कि फिटर की कटअप जो है मोस्टली हमेशा ज़्यादा जाती है, और इस बार भी दोस्तों फिटर कटअप इस बार भी बहुत ज़्यादा जा रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं देर ना करते हुए फ़िटर की। तो फ़िटर में अगर आपने अनरिजर्व में फॉर्म भरा है और आपके 110 नंबर है, जी हाँ दोस्तों 110 नंबर अगर आपके हैं अनरिजर्व में आपने फॉर्म भरा है, तो आप आसानी से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कटअप दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गई है, 110 नंबर। अब बात करते हैं नंबर दो की। नंबर दो में आता है हमारा SC। तो SC की बात करें तो SC के लिए कम से कम आपको 103 नंबर तो चाहिए ही दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 103 नंबर के आसपास में यहाँ पे कटअप जाएगी। तो 103 नंबर के आसपास में अगर आप हैं और फिटर ट्रेड से आपने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है, तो आप आसानी से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर तीन के भी, ST में। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब्स में अगर आपने फॉर्म भरा है और अगर आप फिटर से हैं, तो कम से कम दोस्तों आपकी जो नंबर है वो यहाँ पे 100 है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 100 नंबर अगर आपके आ रहे हैं ST से आपने फॉर्म भरा है फिटर में, तो आप आसानी से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं OBC की। तो OBC की यहाँ जो कटअप जा रही है वो जा रही है 108। जी हाँ दोस्तों, OBC की कटअप बता रहा हूँ मैं फिटर ट्रेड की। तो फिटर ट्रेड में अगर आपने फॉर्म भरा है तो 108 नंबर आपको मिनिमम चाहिए दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में अगर हम बात करें तो सब में आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने फॉर्म भरा है और आपका जो है 76 नंबर, जी हाँ दोस्तों 76 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं 76, तो आप आसानी से यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया था आपका 76 नंबर जो था अनरिजर्व का। अब बात करेंगे हम SC की। तो SC में अगर आपके नंबर 68 के आसपास में है, जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर इतना आसान नहीं गया लोगों का। काफ़ी लोगों ने जो कमेंट किया कि सर पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, तो मॉडरेट लेवल में आपको पता है कि जहाँ 10+ में जॉब की वैकेंसी आती है वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है मार्क्स नहीं जाते कटऑफ के। तो यहाँ पर आपकी जो कटअप जा रही है वो है 68। तो अगर SC से आपने फॉर्म भरा और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सब्जेक्ट है यानी ट्रेड है, तो आप आसानी से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं ST की। तो ST में देखिए आप दोस्तों, अगर ST से आपने फॉर्म भरा है तो आपको कम से कम 66, जी हाँ दोस्तों 66 नंबर आपको कम से कम चाहिए आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आपका जो है ST का मैंने कटअप बताया है 66 out of 150। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में आता है हमारा OBC। तो OBC की बात करें तो यहाँ अदर बैकवर्ड क्लास में आपको कम से कम नंबर जो चाहिए वो है दोस्तों आपको 73। जी हाँ दोस्तों, 73 नंबर आपको कम से कम मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ये जो कटअप है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, OBC की मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो है चारों की कटअप जो मैंने आपको आज बताया, तो आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सक रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कटअप जो जा रही है वो है फ़िटर की। जी हाँ दोस्तों, तो फ़िटर वाले कटअप सबसे हाईएस्ट रहेगी इस साल 2019 की टेक्नीशियन भर्ती की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चंस के जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट कुछ डाउट्स अगर अभी भी हैं मन में, तो आप देख लीजिए, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और हमसे पूछ सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।